हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसे सीक्रेट ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए ज़्यादा खास है जिनके मोबाइल में कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ऐसे वीडियो और फोटोज़ होते हैं जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिससे आपके मोबाइल में आपकी पर्सनल फ़ोटो और वीडियो तो रहेंगे मगर किसी के बाप को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके मोबाइल में कुछ सीक्रेट चीज़ें भी हैं या आपके मोबाइल में कुछ ऐसी फ़ोटो और वीडियो भी हैं जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी पर्सनल चीज़ों को आप खुद ही देख सकते हो और अगर आपका मोबाइल किसी के दोस्त के हाथ में चला भी जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि आपके मोबाइल में कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे वो काम करता है। दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है CALCULATOR कैलकुलेटर वॉलेट। क्या लिखना है? कैलकुलेटर वॉलेट। जैसे आप कैलकुलेटर वॉलेट लिखेंगे दोस्तों तो नीचे आपके सामने आ जाएगा ये कैलकुलेटर वॉलेट। आपको इसको सर्च करना है। चलिए मैं इसको सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद में दोस्तों आपके सामने जो टॉप में जो कैलकुलेटर वॉलेट गैलरी लोग आएगा, आपको उसको सर्च करना है। आप इसका आइकन देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप इसके देख सकते हैं 1 मिलियन इसके डाउनलोडेड है, 4.5 की इसकी रेटिंग है, और ज़बरदस्त और कमाल का एप्लीकेशन है। इसको ये आपकी जो पर्सनल चीज़ें हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या क्या करना है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कोई अपनी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपके जो पसंद के पासवर्ड हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2244। उसके बाद नीचे आपको रिपीट करने हैं वही पासवर्ड जो ऊपर डाले हैं। चलिए मैं यहाँ पे 2244 डाल देता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पे ओके कर देना है। चलिए ओके कर देते हैं, और यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिकवरी ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपने फेवरेट टीचर का नाम देना है, यानी जब आप अगर अपने पासवर्ड अगर कहीं कभी भूल जाते हैं तो आपका ये जो रिकवरी ऑप्शन है ये आपके काम आएगा, और इससे आप अपने इसको लॉकर को आप ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फेवरेट टीचर का नाम दे देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ राकेश जी। नीचे भी आपको वही नाम देना है जो आपको ऊपर जो आपको देना दिया है वही आपको नीचे देना। चलिए मैं नीचे भी वही नाम दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए सेव एंड स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। करते ही दोस्तों ये आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे कैलकुलेटर है जो आप कैलकुलेटर में काम करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस कैलकुलेटर में कर सकते हैं। मगर इसकी एक सीक्रेट जो है वो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है और कैसे करना है। जैसे चलिए मैं इसको यहाँ से इसको अगर आप चाहें कि अपने इसको कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से ऊपर से जाके और अपने कैलकुलेटर का कलर भी आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर वॉलेट के एप्लीकेशन पर। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आपका कैलकुलेटर का यहाँ पे आइकन दिखेगा, और यहाँ से आप अपने कैलकुलेटर ओपन करेंगे या आपके दोस्त के हाथ में चला जाता है वो ओपन करेगा तो वो भी यही देखेगा कि ये कैलकुलेटर है। वो तो ये बिल्कुल ये नहीं समझेगा कि इसमें कुछ आपने छिपा रखा है या ये कुछ है, वो ओपन करेगा। अगर वो ओपन कर भी लेता है तो यहाँ से वो प्लस माइनस कर लेगा और वो अपना काम करेगा और वो आपको मोबाइल वापस ले लेगा। उसको क्या मालूम कि यहाँ पे कुछ है। मगर यहाँ पे दोस्तों आप जैसे वो जो पासवर्ड आपने क्रिएट किए थे वो पासवर्ड डालेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आपको 1122334 इंटर करने हैं और अपने पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ से ओके कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज आ जाएगा, पिक्चर वीडियो और फाइल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको छिपाना। चलिए मैं यहाँ पे देखिए दो पिक्चर छिपा रखी है। अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पिक्चर में जाना है, और पिक्चर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है, और आपको जाना है फोटो एल्बम में, और फोटो एल्बम में जाने के बाद दोस्तों उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर की फोटो आपको यहाँ पे छुपाना है। चलिए मैं यहाँ से व्हाट्सएप इमेज ले लेता हूँ, और इस फोटो को मेरे को यहाँ से उठाना है, गैलरी से हटाना है, और यहाँ को कैलकुलेटर वॉलेट में इसको रखना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डबल क्लिक पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे, मगर आपको वहाँ से वापस यहाँ पे अनक्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है,
और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन मिलेगा। लॉक के बटन पे आपको क्लिक करना है और लॉक पे क्लिक करते ही ये फाइल एडिट हो जाएगी आपकी। यहाँ पे देखिए पहले दो थी अब तीन हो चुकी हैं, यानी ये गैलरी से हट चुकी है और यहाँ पे आ चुकी है। अब कोई भी इस फोटो को नहीं देख सकता जब तक आप अगर इस कैलकुलेटर वॉलेट को ओपन नहीं करेंगे और आप अपने पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगी। इसी तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो को भी यहाँ पे छिपा सकते हैं। वीडियो पे जाने हैं और वीडियो के पर जाने के बाद प्लस के आइकन पर जाना और यहाँ से उसी तरीके से जैसे हमने फोटो लिया था उसी तरीके से आपको वीडियो को ले लेना है। उसके ऊपर आपको सेटिंग मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे तो आप यहाँ पे से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में फिंगर सेंसर है तो आप फिंगर से अनलॉक भी करने का ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारी आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।